Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will learn about some commonly used poetic devices. First of all, understand what exactly poetic devices are. Poetic devices are a form of literary device used in poetry. Poetry mein ko use kiya jata hai. They are essential tools to create rhythm, enhance a poem's meaning or intensify a mood or feeling. So let's start. The first commonly used poetic device is simile. Simile is a comparison between two things. For example, she is as red as a rose. अब उनकी comparison किसके साथ किया गया? Rose के साथ किया. She is as red as a rose. Your hands are as cold as ice. अब हाथों की तुलना किससे की गई है? Ice के साथ. इतने ठंडे हैं. As cold as ice. She is as cunning as a fox. मतलब fox जो है वो बहुत चलाक होती है. तो she is compared to. She is as cunning as a fox. So these are all similes. Comparison between two persons, two things, two objects. अब next हमारी poetic device is metaphor. Metaphor में क्या होता है? There is no comparison, but the quality of an object, person or thing is transferred to another. अब for example, मैं आपको example देती हूँ. He is a lion. अब lion is known for his strength, for his bravery. तो यहां पर उसको compare नहीं किया गया. But the quality of a lion is transferred into him. He is a lion. She is a fox. अब fox से comparison नहीं है. But the quality of fox is transferred. She is a fox. तो ये metaphor हुआ. Next is personification. When it attributes human characteristic to abstract ideas. When abstract ideas are given human characteristic, it is personification. For example, the wind howled in the night. Here the wind is personified, it's given human characteristics. It's howling, it was howling in the night. अब नेक्स्ट इज माय अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग. हियर द अलार्म क्लॉक इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. इट येल्स एट मी. सो दीज आर ऑल पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन. ऑक्सीमोरोन इज व्हेन टू कॉन्ट्राडिक्टी टर्म्स आर जॉइंड. अब दो कॉन्ट्राडिक्टी जो टर्म्स है जब उनको ज्वाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज और ही वॉज टेरेबली गुड इन हिज परफॉर्मेंस. तो टेरेबली एंड गुड दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स. दे आर ज्वाइन टूगेदर. तो दीज आर ऑक्सीमोरॉन. सम मोर एग्जाम्पल्स लाइक दे आर इन द लव हेट रिलेशनशिप. अब लव एंड हेट दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स बट दे आर यूज टूगेदर. अब देर वॉज डेफनिंग साइलेंस इन द रूम. डेफनिंग एंड साइलेंस दोनों जो है वो और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं. तो बट ज्वाइन टूगेदर. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीमोरॉन. नेक्स्ट इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ. एक वो स्टेटमेंट जो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड. बिगनिंग ऑफ द एंड. अब वो अपनी स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. अब बिगनिंग भी है और एंड भी है. अनदर एग्जाम्पल इज मोर. लेस भी है और मोर भी है. दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी इटसेल्फ. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर और साउंड. जब कोई वर्ड या लेटर और साउंड बार बार रिपीटेडली यूज होते तो दैट इज एलिट्रेशन. अब फॉर एग्जाम्पल Even elephants enjoy eating eggs. अब देखो ई जो है वो इज रिपीटेडली यूज.
अब अनदर एग्जाम्पल, माइक्स मदर मेक्स अ माउथ वाटरिंग केक. माइक्स मदर मेक्स अ माउथ वाटरिंग केक. अब जो एम है इट इज रिपीटेडली यूज, सो दिस इज एलिटरेशन. नेक्स्ट इज एल्यूजन. इट्स एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू समथिंग. कोई मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस दी जाती है, लाइक शी फेल्ट लाइक शी हैड अ गोल्डन टिकट. है तो नहीं बट उसको एक लग रहा है, वो रेफरेंस दे रही है. शी फेल्ट लाइक शी हैड अ गोल्डन टिकट. और अनदर एग्जाम्पल, आई विश आई कुड जस्ट क्लिक माई हील्स. विश कर रहे हैं, फील कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली रेफर कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल एल्यूशन. नेक्स्ट इज एंजैमेंट. एंजैमेंट इज कंटिन्यूशन ऑफ ए सेंटेंस बियॉन्ड अ लाइन ब्रेक. अब इसमें कोई लाइन ब्रेक नहीं होती, कंटिन्यू चलता रहता, तो दैट इज एंजैमेंट. अब नेक्स्ट इज ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया इज यूजिंग वर्ड्स. वो वर्ड्स यूज होते हैं दैट इमिटेट द साउंड दे डिनोट. अब जो साउंड ये देते हैं ना वही वर्ड इनके होते हैं. अब इसका एग्जाम्पल जैसे टिक टॉक ऑफ ए क्लॉक. अब क्लॉक है तो टिक टॉक वही साउंड है उसकी, तो ये ओनोमेटोपिया हो गया. डिंग डोंग. डिंग डोंग ऑफ ए डोर बेल. तो जो साउंड है वही वर्ड्स हैं, तो ये दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमेटोपिया. नेक्स्ट इज हाइपरबल. हाइपरबल इज एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स. एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के जो कहा जाता है. दीज आर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड हाइपरबल. फॉर एग्जाम्पल, योर स्किन इज सॉफ्टर देन स्किल. योर स्किन इज सॉफ्टर देन स्किल. अब सिल्क से ज्यादा भी उसको तो एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है. अब एक और एग्जाम्पल आपको देती हूं. दिस शॉपिंग कॉस्ट मी अ मिलियन डॉलर. दिस शॉपिंग कॉस्ट मी मिलियन डॉलर. मतलब है तो नहीं कितना बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, तो जो एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, तो दीज आर हाइपरबोले. तो आज के वीडियो में इतना ही. आई होप दिस प्रूव्स वेरी यूजफुल टू यू. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.